BEE++E की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट का नोटिस आप सभी का आ चुका है। 5 नवंबर से आप सभी की टाइपिंग स्टार्ट है। हिंदी वालों के लिए कृतिदेव फॉन्ट में आप सभी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश वालों के लिए तो सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके 31 अक्टूबर से आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका वहाँ पे कैंपस का नेम भी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाके आप इजली वो नियर बाई कोई मेट्रो स्टेशन है तो आप साखरपुर आई थिंक मेरे हिसाब से एड्रेस है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके एक बार चाहो तो आप विजिट भी कर सकते हो, जिससे आप टाइम से आप वहाँ पे पहुंचो, क्योंकि 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है। शिफ्ट 1 का जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 से 9:30 है, शिफ्ट 2 का भी अलग है कुछ, और शिफ्ट 3 का भी कुछ ऐसा अलग है, ठीक है। तो आप टाइम से रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचो, बिल्कुल भी गलती मत करो, क्योंकि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके पहले कोई भी प्रेशर आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की टाइपिंग हुई है और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने दी होगी उनको ये सारी चीजें पता होंगी। तो आप अच्छे से टाइपिंग टेस्ट करो, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आप सभी के बाहर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर होती है। कई बार क्या होता है कि आपका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त क्या होता है ना कि आसपास जो आवाज आती है और प्रेशर एक अंदर से आता है, यार लाइन छूट ना जाए, ये ना हो जाए, टाइम ज्यादा जा रहा है, बार बार आप टाइम को देखते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका प्रेशर क्रिएट करती है। किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करें, अगर उसके लिए आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखो, मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए दे दूंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रेशर जो आप वहाँ फील करते हो हैंडल करने में आसानी होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाले में भी मैंने टाइपिंग दिया था, मेरी ऑलरेडी आप देख सकते हो टाइपिंग 50 के ऊपर है, और मैं इतना टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूँ बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टैंड हूँ। तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों से मैं गुजरा हूँ और मैंने ये सारी चीजों के ऊपर वर्क किया है, और कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी हर एग्जाम में मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और वो जो नोटिस वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, जाके फटाफट से आप सभी देख सकते हो। ओके।